सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर आपका स्वागत है और आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है उसका पाठ 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो एक बार पाठ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर हम प्रारंभ करते हैं। लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए काम करे और यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। तो इस अध्याय में हम एक बार उसके जो प्रश्नोत्तर है पाठ्यपुस्तक के, उन प्रश्नोत्तर को हम करेंगे। तो आइए उन प्रश्नोत्तरों को प्रारंभ करते हैं। तो पाठ्यपुस्तक का पहला प्रश्न है, इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती है, संविधान से लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। तो इसका उत्तर होगा जीवन स्तर। जीवन स्तर का अभिप्राय है कि व्यक्ति के जीने का तरीका कैसा है। लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में रहने और जीवन के सभी सुखों का आनंद लेने के लिए है। इसके विपरीत प्रदूषित पानी, अस्वच्छ वातावरण, अपर्याप्त भोजन सेवन करने से जीवन स्तर को कम करते हैं। अब बात करते हैं हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की। सार्वजनिक स्वास्थ्य को लोगों और उनके समुदायों के स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार करने से, ये मुफ्त में या कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करके हासिल किया जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को मापने के लिए मृत्यु दर, जन्म दर, पोषण सूचकांक आदि संकेतकों का उपयोग किया जाता है। अब इसका जो प्रश्न नंबर 2 है उसको हम देखते हैं। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। इसका उत्तर होगा, सरकार अपने नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकती है। जैसे केरल सरकार के मामले में राज्य सरकारें स्थानीय पंचायतों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर स्वास्थ्य सेवा इकाई बनाने की प्रक्रिया में सशक्त बना सकती है। नंबर 2, सरकार स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, अस्पतालों और परिवार कल्याण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर यह काम कर सकती है। और तीसरा, सरकार आम जनता के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविरों का आयोजन करके पल्स पोलियो और इसी तरह के अन्य विशेष अभियानों का भी आयोजन करके यह काम कर सकती है। अब हम अगला प्रश्न इसका देखते हैं। आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं, नीचे दी गई तालिका को भरते हुए इनकी तुलना कीजिए और अंतर बताइए। और हमें तुलना करनी है जिसका आधार है सुविधा, फिर निजी में कौन सी सुविधा मिल सकती है, सार्वजनिक में कौन सी मिलती है, फिर सामर्थ्य और उपलब्धता। इन बिंदुओं के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए इन बिंदुओं के आधार पर हम इसका उत्तर ढूंढते हैं। ये देखिए, उत्तर इसका होगा, हमने सुविधा की दृष्टि देखिए, निजी, ये निजी यानी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसकी बात कर रहे हैं। सामर्थ्य की दृष्टि से ये बहुत महंगा होता है और उपलब्धता की दृष्टि से सभी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ आसानी से उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं सार्वजनिक की। अब सामर्थ्य की दृष्टि से या तो सार्वजनिक यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो मुफ्त होते हैं या बहुत ही कम लागत पर वहाँ सेवाएं उपलब्ध होती है। लेकिन अब उपलब्धता की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ सभी स्वास्थ्य सेवाएँ हर समय उपलब्ध हो भी सकती है और नहीं भी। यदि उपलब्ध है तो सेवाओं का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता, ये निश्चित है।
इसके अलावा लोगों की भीड़ के कारण ये सेवाएं ऐसे अस्पतालों में बड़ी संख्या में आने वाले रोगियों के लिए पर्याप्त नहीं है। अब आगे का प्रश्न और देखते हैं हम, ये इसका अंतिम प्रश्न है। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है, उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही है ये, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को रोक लेंगे तो बीमारियां, आधी से ज़्यादा बीमारियां समाप्त हो जाएगी। चलिए इसका उत्तर प्रारंभ करते हैं। अब जो प्रदूषित पानी है वह हैजा, टाइफाइड और पीलिया जैसे कई संचारी रोगों का एक प्रमुख कारण है। इसी तरह खराब स्वच्छता के कारण प्लेग, डेंगू, मलेरिया जैसे कई महामारियां फैलती है। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता बनाए रखना और कचरे का उचित निपटान स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए अत्यधिक आबादी वाले शहरों में डेंगू और मलेरिया के प्रसार को शहरों में दोषपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के कारण होता है। डेंगू व मलेरिया दोनों मच्छरों के कारण होते हैं जो खराब बनी हुई झीलों और नहरों के स्थिर पानी पर प्रजनन करते हैं। निकासी व नहरों व झीलों की सफाई करके इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये हमने जो इसके हमारे चार प्रश्न थे पाठ्यपुस्तक के, वो हमने किए हैं। और इसके बाद में कोई जो दूसरा वीडियो बनेगा उसमें उसके एक्स्ट्रा प्रश्नों की हम बात करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।